संभालका में जुलकाना रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला में गायों की चारे की समस्या को प्रकाशित करने के बाद दानवीर लोग सामने आए और गायों के लिए खाने की समस्या को दूर किया। वहीं जब इस बारे में गौशाला के प्रधान कुलदीप शर्मा से बातचीत की गई, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गायों को खाना डालने के लिए जगह का कार्य शुरू हो चुका है। दीवार के पास गाय को चारा डालने के लिए स्थान बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग एक साथ 150 गाय के चारे का प्रबंध किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि गाय के चारे के लिए अब कोई समस्या नहीं है, फूसे से सारे गोदाम भरे जा चुके हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है जो अभी तक जो की त्यों बनी हुई है। दरअसल गायों के मरने के बाद उनको दबाने का स्थान तक नहीं है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई समाधान है नहीं। हाँ, मिलेंगे मैनेजमेंट कमेटी की ड्यूटी लगी है भाई, प्रशासन से मिलकर अपनी समस्या को बताया जाए ताकि इस समस्या का हल हो सके। वही जब इस बारे में गौशाला में सहायक कर्मी से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से सरकार की तरफ से दवाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके चलते एक बड़ी समस्या का लगातार सामना करना पड़ रहा है। दवाइयों में 2 साल हो गई जी, मेडिसिन नहीं आ रही, सप्लाई है जो वो नहीं आ रही। आप बड़का धनी है जी, वो दान कर रहे हैं, उसके काम चल रहा है, ना हो कोई बड़ी सुविधा नहीं। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।